हेलो एवरीवन, मैं मोनिका आपका मेरे चैनल मैजिक ऑफ मॉम्स में स्वागत है। बनाने वाले हैं दाल मखनी। तो दाल मखनी के लिए मैंने लिया है एक कटोरी, ये साबुत उड़द है, ये साबुत उड़द लिया है मैंने, और ये एक चम्मच लिया है मैंने राजमा। राजमा अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, अगर अवॉइड करना चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, और थोड़ा सा राजमा बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। अब मैंने इनको 4 से 5 बार अच्छे से साफ पानी से वॉश कर लिया है। अब मैंने ये गर्म पानी करके रखा हुआ, इसमें ये गर्म पानी अब हम इसमें डाल देंगे और इसको भीगने के लिए रख देंगे। इसको अब हम 4 से 5 घंटों के लिए भीगने के लिए रख देंगे। घंटे हो चुके हैं और हमारे उड़द और राजमा अच्छे से सोख हो चुके हैं, तो अब हम इसको एक कुकर लेंगे और इसमें डाल के इसकी हम लोग 8 से 10 सीटी ले लेंगे। ये हमारी दाल मखनी की दाल अच्छे से गल चुकी है, आप देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा उल्टी चम्मच से अच्छे से मत लेंगे। इसकी सीटी मैंने मीडियम फ्लेम में ही ली थी, आपको भी ध्यान रखना है, जब ये दाल अच्छे से सॉफ्ट हो पाएगी, गल पाएगी। दाल मखनी बनाने के लिए हम सबसे पहले ग्रेवी रेडी करेंगे। तो मैंने लिया है अनियन, लिया है मैंने 2 अनियन लिए हैं, एक बड़ा बिग साइज़ का टोमेटो लिया है, ये मैंने लहसुन की 8 से 10 कलियाँ ली हैं, और 2 हरी मिर्ची ली। तो इसको हम मिक्सी के में ग्राइंड कर लेंगे, मिक्सर जार में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। ये मैंने पेस्ट बना लिया है। अब मैंने एक कढ़ाई में घी ले लिया, मैंने 1 टेबल स्पून के करीब घी लिया है। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, पर मैं आज दाल मखनी घी में बना रही हूँ। घी अच्छा सा गर्म होने देंगे हम। अब ये घी गर्म हो चुका है, हम इसमें 1 पिंच हींग डालेंगे, 1/2 स्पून जीरा डालेंगे हम इसमें, फिर हम इसमें ये पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। 1/2 स्पून हम डालेंगे इसमें रेड चिली पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून हम डालेंगे सूखा धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 स्पून गरम मसाला। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार या फिर 1 चम्मच, और इसको ढक्कन ढक के पकने देंगे। अब इसमें घी ऊपर आ गया है, आप देख सकते हैं मिट्टी, ये हमारी दाल। अब हम इसमें क्रीम डालकर ढक्कन लगाकर बॉईल आने तक रख देंगे। अब ये हमारी दाल मखनी में अच्छा सा बॉईल आ चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसमें धनिया डाल के हम इसको सर्व करेंगे। अब हम सबसे पहले चूर चूर नान के लिए डो रेडी करेंगे। तो मैंने ये इस कप से 2 कप मैदा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून शुगर, ये पीसी हुई शक्कर है, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक डालेंगे, और ये 1 स्पून के करीब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, और 1 स्पून हम डालेंगे इसमें मिल्क पाउडर, ये 1 स्पून मिल्क पाउडर का है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये दही, दही डालेंगे हम इसमें, और थोड़ा सा तेल डालेंगे 1 स्पून के। अब हम हल्के गुनगुने पानी से इस डो को रेडी करेंगे ताकि अच्छा से ये आटा फर्मेंट हो सके नान के लिए। ये हमारा डो रेडी हो चुका है। अब हम इसमें टू स्पून के करीब इसमें घी डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। वो रेडी हो चुका है, मैंने अच्छे से इसमें घी भी मिक्स कर लिया। अब हम इसको ढक्कन लगा के 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटा हो चुका है और हमारा चूर चूर नान का डो एकदम अच्छे से सेट हो चुका है, एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक बार इस तरह से मस लेंगे, फिर हम इसको इस पे रखेंगे, इसको इस तरह से थोड़ा लंबा लंबा बेल लेंगे हम। इस तरह से अच्छे से बेल लिया है। अब हम इस पर डालेंगे घी, अच्छे से फैला लेंगे इस तरह से। आप ब्रश से भी फैला सकते हैं, पर मैंने हाथ से फैलाया है। अब हम इसको इस तरह से रोल करेंगे, हमें साइड से इस तरह से रोल करके फिर इसको यूं रोल करना है। हमें इसको चारों तरफ से अच्छे से पैक कर लेना है, ये इस तरह से अच्छे से दबा के पैक करेंगे इसको बिल्कुल, ताकि वो घी बाहर ना आए, और फिर हम इसको
इस तरह से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जितनी बड़ी हमें नान बनानी है उस साइज के हम लोए बना लेंगे। इसके मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं, अब हम इस तरह से उठाएंगे इनको, इनको अच्छे से फैलाएंगे और इनके बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से हमें अंदर की तरफ घुमाते हुए बॉल्स रेडी करना है इसके। अब ये हमने सारे पेड़े रेडी कर लिए हैं, अब हम इन पेड़ों को वापस से इसमें रख के ढक्कन लगा के 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। फिलिंग रेडी करने के लिए मैंने ये एक बाउल में पनीर को अच्छे से क्रश कर लिया है मैंने। अब हम इसमें डालेंगे अनियन, इसमें डालेंगे हाफ स्पून के करीब सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अगर आपको जैसा पसंद हो आप टेस्ट कर लीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे हरे धनिए के पत्ते और ये मैंने लिए हैं पुदीने के पत्ते, इन दोनों को डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, ये अजवाइन लिया है मैंने वो डाल देंगे, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे हम इसमें और हाफ स्पून के करीब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। ये हाफ स्पून गरम मसाला डालेंगे, ये मैंने हाफ स्पून, ये मैंने लिया है चाट मसाला तो ये डाल देंगे हाफ स्पून और ये हाफ स्पून हम चिली पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम बनाएंगे हमारी चूचू। फिलिंग भी रेडी है हमारे पास, तो मैंने ये एक पेड़ा लिया है, इसको हम पहले एक बार हल्के से बेलेंगे। अगर आप इसमें धनिया और ये डालना चाहते हैं तो इसमें हम पहले नीचे ये इस पर धनिया और पुदीने के पत्ते मैंने डाल दिए, पहले इस पर हल्के से सेट करके हम इसको इस तरह से बेलेंगे। अब हम इसमें हमारी फिलिंग रखेंगे और इसको अच्छे से रोल कर देंगे। हमने हमारी चूरचूर नान रेडी कर ली है, अब हमने जो धनिया लगा उस साइड नहीं, हम उसकी अपोजिट साइड थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 स्पून के करीब इसको अच्छे से फैला लेंगे। हमने हमारा नॉनस्टिक तवा पहले ही गर्म करने रख दिया और हमने जिस साइड पानी लगाया था वो साइड हम तवे पे इस तरह से डाल देंगे। अब ये आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आने लग गया, अब हम गैस को इस तरह से तवे को उठाएंगे और डायरेक्ट गैस पे इस तरह से हिट देंगे उसको। ये मैंने अच्छे से इस तरह से रेड कर लिया, अब हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे और इसको अब हम सर्व करेंगे। इसी तरह से हम हमारी बाकी की चूरचूर नान भी रेडी कर लेंगे।